नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मिनट क्विक में, विच द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। मेरा नाम है गगन दीमान। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटी के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, कौन किसकी नियुक्ति करेगा, आज हम इस चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। यहाँ पे इसके साथ आप सबसे पहले मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पे अन एकेडमी पे फॉर माई रेगुलर लेक्चर्स, फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे द नेम ऑफ गगनदीप सिंह अंडर SSC कैटेगरी। अब इसके साथ नीचे आप देख रहे हैं ये प्लस के बैचेस हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। ये वीकेंड बैच है और ये रहा रेगुलर बैच रहेगा, इसकी टाइमिंग अभी आपके सामने हम शेयर कर लेते हैं। सो दिन भर की दिनचर्या क्या होती है, सुबह 11 बजे भी हम क्लास लेते हैं, अकेडमी पे स्पेशल क्लास होगा, रात 10:30 बजे होगा, दोपहर 1 बजे, ये 3 क्लासेस जो है हम स्पेशल क्लास में कर रहे हैं। और मेरे साथ अन अकेडमी पे प्लस के कोर्स में जुड़ने के लिए शाम 5:30 बजे, और इसके साथ साथ रात्रि 9 बजे यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हम वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम पे मिलते हैं आपके सबके आपके यहाँ। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अपॉइंटेड पोस्ट हैं, कुछ इलेक्टेड पोस्ट हैं और कुछ नॉमिनेटेड पोस्ट हैं हमारे पास यहाँ पे। तो उनमें से आज हम जिक्र करेंगे यहाँ पे अपॉइंटेड पोस्ट का, बेसिकली जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनकी हम आज बात करेंगे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे सेशन की तरफ। यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, अगर हम बात करें तो वो नियुक्तियां किसकी करता है, सबसे पहले अपॉइंटेड पोस्ट, पीएम इज द अपॉइंटेड पोस्ट अंडर आर्टिकल 75। फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक अपॉइंटेड पोस्ट होगा, ठीक है, तो ये आर्टिकल 76, लेकिन इसका टर्म फिक्स नहीं होता है, इसका टर्म फिक्स नहीं होता है, ये याद रखना है। ही एंजॉयज द टेन्योर टिल द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। सेम केस आता है गवर्नर के साथ, इसका भी टर्म फिक्स नहीं होता है और इसकी नियुक्ति की जाती है यहाँ पे 155 आर्टिकल के तहत की जाती है, यहाँ पे आर्टिकल 155 के तहत की जाएगी यहाँ पे, ये याद रखना है आप। अब एक चीज और याद रखिएगा, पोस्ट ऑफ जो अपॉइंटेड बाय सेंटर जो होता है ये हमने कनाडा से लिया है यहाँ पे, ये याद रखिएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ फिर आता है यूपीएससी की, अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है यहाँ पे, ये भी प्रेसिडेंट ही करता है अंडर आर्टिकल 324। इसके साथ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये कौन करता है, ये भी हमारे कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। अब इन सभी को याद रखने की ट्रिक क्या है, ये देखिए, जागो यूपी, जे से जजेस, ए से अटॉर्नी जनरल, जी से गवर्नर, अगर हम बात करें ओ से तो गवर्नर का पूरा गो से जागो हो जाएगा, और यूपी, यू से हमारा यूपीएससी एंड पी से पीएम यहां पे हो जाएगा। तो ये रहा एक सिंपल सा ट्रिक आपको, जिसमें हम आर्टिकल के साथ यहां पे बात की थी, यहां पे आर्टिकल 75, पीएम एजीआई 76, गवर्नर 155, यूपीएससी 324। अब ये 3 हिस्सों में ट्रिक पूरी बटी हुई है, तो बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। यहाँ पे दूसरी ट्रिक में अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन का गठन भी यहाँ पे कौन करवाता है, यहाँ पे ये बेसिकली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करवाते हैं, आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है, यह हर 5 साल के लिए किया जाता है यहाँ पे, और इसके मेंबर्स की संख्या भी फिक्स रहती है, जो की रहती है 5 रहती है। वो इसके पास स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है हमारे पास, जो कानून में के तहत, किसी एक्ट के तहत यहाँ पे बना है, यहाँ पे उसके तहत बनाई जाती है यहाँ पे, राइट। तो एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, और एक होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, इसकी गठन की भी अगर हम, इनके कमिश्नर्स की नियुक्ति भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और इन दी लास्ट यहां पे कैग आर्टिकल 148 के तहत करेगा। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, FEC3, F से ये और E से ये हो जाएगा C3, 1 2 3 C3, इसको ऐसे हम लिखते हैं ना, FE मतलब क्या होता है, आयरन, C से कार्बन, तो इस तरीके से ये एक कंपाउंड के रूप में काम कर जाएगा, FEC3, F से फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, CBC, CIC एंड CAG हो जाएगा हमारा आर्टिकल 148 के तहत। ये था इसका पार्ट दूसरा। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तीसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तीसरा पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस केस में अगर हम बात करें तो। सबसे पहले कमीशन फॉर ST, SC एंड OBC आर्टिकल 338A
के तहत यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। फिर आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई भी बंदा काम पे नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर और डेप्टी स्पीकर अगर पोजिशन पे नहीं है, उस केस में यहाँ पे लोकसभा में कौन कार्यरत होगा यहाँ पे, उसका डिसीजन भी कौन लेते हैं यहाँ पे, वो भी प्रेसिडेंट लेते हैं, ये होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। इसके बाद प्रोटम स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर होता है, जब भी कभी नई लोकसभा बनती है उस केस में यहाँ पे टेम्पररी समय के लिए एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, जिसका काम होता है सदन के सभी मेंबर्स को शपथ दिलाना, ये उसका काम होता है यहाँ। ठीक, इसका गठन भी, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है यहाँ पे, ये भी प्रेजिडेंट करते हैं हमारे। इसके साथ आता है इंटर स्टेट काउंसिल होता है, स्टेट्स के बीच में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल का भी गठन किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, वो आर्टिकल 263 के तहत होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट की नियुक्ति भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, पोस्ट है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सिंपल सा ट्रिक बना के रखा है, सो आई कैन स्पीक ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को बोल रहा हूं यहाँ पे, सो आई कैन स्पीक ऑफिसर। सो से क्या हो जाएगा, दो एस यहां पे हो गया और ये ओ, तो यहां से सो आई कैन, आई से इंटर स्टेट हो जाएगा, कैन से कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा, स्पीकर प्रोटम स्पीकर हो जाएगा और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थी आज की शॉर्ट ट्रिक, ये काफी छोटी भी है, आसान भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सिविल का, अगर हम इसकी बात करें स्पेशल इस शॉर्ट ट्रिक की यहाँ पे जो आपके सामने है, उसमें ये सारे के सारे सिविल के प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कीजिएगा, 2 से 3 बार इसको रिकॉल करने की जरूरत है। और आज की शॉर्ट ट्रिक हम यही खत्म करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और किस नेक्स्ट जो अगर हम बात करें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक किस पे चाहते हैं, वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और वही शॉर्ट ट्रिक नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली बार एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ, उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। सत श्री अकाल, जय हिंद।